हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जनकुक को किडनैप करने के बाद यहाँ पर लेकर आए हैं। जनकुक तियांग से कहता है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आखिर मुझसे क्या चाहिए आपको? तियांग जनकुक से कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जैसा करने के लिए कहता हूँ बस वैसा ही किया करो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना है और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। और हाँ, तुम यहाँ पर डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ। जनकुक तियांग से कहता है, तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आखिर आप मुझे कुछ नहीं करने वाले हो और आपको मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर आप मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो? तो तियांग ने जनकुक से कहा, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही करो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर बहुत ही आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जनकुक ने तियांग से कहा, आखिर आप हो कौन, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपने नकाब क्यों पहना हुआ है? तियांग ने जनकुक से कहा, वो तुम्हारा मसला नहीं है, मैं खुद देख लूँगा, तुम अब जाओ और जाकर रेस्ट करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रख दिया है। जनकुक कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, वो लोग मेरे लिए पेशेंट हो रहे होंगे। तियांग कहता है, क्या वो तुम्हारा मॉम डैड नहीं है, तुम भी जानते हो कौन सी दुनिया में जी रहे हो, वो लोग तुम्हें जान से मारना चाहता है डैमिट, और तुम हो कि उन लोग के पास जाना चाहते हो? जनकुक कहता है, क्या वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, आखिर आपको क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की? तियांग ने कहा, तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आखिर तुम जानना चाहते हो ना मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम अपनी लाइफ को जी सको, तुम्हारी लाइफ शॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम बहुत साल तक जियो, तुम जब बूढ़ा हो जाओगे ना तब भी तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम तब भी बहुत ही स्ट्रांग बनकर रहोगे, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जनकुक कहता है, लेकिन क्यों करने वाले हो ऐसा, अगर वो लोग मुझे मारना भी चाहते हैं तो आपको क्या, आप हो कौन, आपको क्या चाहिए मुझसे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो लोग मेरा जान ले लेते हैं तो क्या आप मुझे जानते हो? तियांग कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन शायद लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। जनकुक कहता है, क्योंकि मैंने आपको देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं आपको जानता भी हूँ या नहीं, मुझे जानना है कि आप कौन हो। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें जानने के लिए, तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूँ और तुम्हें जीना पड़ेगा, वो भी मेरे लिए। जनकुक कहता है, क्या आपके लिए? तो तियांग ये बोलते हुए चले जाते हैं। जनकुक वो रूम के अंदर जाते हैं, वो देखता है कि ये घर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इस घर को देखकर लग रहा था कोई राजमहल है, जनकुक को बहुत ही पसंद आ रहा था, जनकुक इससे पहले इतने अच्छे घर में कभी नहीं रहा, जनकुक को बहुत ही खुशी हो रहा था, ऊपर से उसको टेंशन भी हो रहे थे, और तियांग की बातों पर वो भरोसा तो करना चाहता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसको क्यों मानना चाहेगा, आखिर वो लोग बचपन से उसको बड़ा किया है इतने अच्छे से, जनकुक को लगता है वो कभी उसके साथ बुरा कर ही नहीं सकता है, लेकिन तियांग को पता है वो लोग जनकुक को मारना चाहता है, क्योंकि वो लोग जनकुक के सौतेले मॉम डैड है, अब वो लोग जनकुक के जो जायदाद है वो अपने नाम करना चाहता है जनकुक को मारने के बाद, इसीलिए वो लोग ऐसा करना चाहता है, लेकिन जनकुक तो अपने मॉम डैड पर पूरी तरीके से अंधविश्वास करता है, जो तियांग अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए यहाँ पर किडनैप करके लेकर आए हैं। लेकिन जनकुक तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था, आखिर कौन है वो, मुझे उसका फेस देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो अपना नकाब उतार दे, लेकिन तियांग ने ठान लिया है कि वो जनकुक के सामने नहीं जाएगा और ये नहीं बताएगा कि वो कौन है। जनकुक जब फ्रेश होकर बाहर आ जाता है तो तियांग ने जनकुक से कहा, चलो मैंने खाना लगा दिया है, आकर खा लो। जनकुक कहता है, क्या इतना सारा खाना कौन बनाया है और ऐसा कुछ कैसे कर लिया, कब किया है? तो तियांग ने कहा, चलो आओ बैठो और खाना खाओ। जनकुक कहता है, क्या तुम नहीं खाने वाले हो? तियांग कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। जनकुक कहता है, चलो साथ में खाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन ये अगर सच है कि वो लोग मुझे मारना चाहता है तो तुमने मेरा जान बचाया है, तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ क्या? मुझे तुम्हें जानना है, तुम्हें देखना है। तियांग कहता है, अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है। जनकुक कहता है, लेकिन क्यों, आखिर ये सही टाइम क्यों नहीं है, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता हूँ? तो जनकुक को तियांग कहता है, देखो जितना कहा जाए उतना करो,
तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। चलो जल्दी से खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी बुक्स लेकर आया हूँ। उसके बाद तुम्हें पढ़ना भी तो है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। मैंने सुना है तुम्हारी नॉलेज बहुत ही अच्छा है, इसको काम पर लगाना है। समझ गया ना, तुम्हें बहुत बड़ा कलेक्टर बनना है। जनकुक कहता है, आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों सोच रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो तुम मुझे भी बोल सकते हो। जनकुक कहता है, भी? इसका मतलब तुम मुझे अपना फुल नेम नहीं बताने वाले हो, है ना? तुम मुझसे अपनी पहचान छुपाना चाहते हो। तियांग कहता है, ऐसा ही कुछ। जब समय आ जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जनकुक कहता है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता हो रहा है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। समझ गए? उसके बाद जैसे ही तुम अपनी लाइफ पर फोकस कर लोगे और वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो मैं चाहता हूँ, तब जाकर मैं तुम्हें अपना पहचान बताने वाला हूँ। जनकुक, तुम सब इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगा। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो जनकुक तियांग से कहता है, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ क्या? तियांग कहता है, अपनी आंखें बंद करके तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूँगा, आई प्रॉमिस। तो जनकुक ने तियांग से कहा, ठीक है, अगर मुझे यहीं पर ही रहना है तो तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद जनकुक खाना खा लेता है। जनकुक ने अपना खाना खा लिया, उसके बाद बहुत ही थक गया था। तियांग ने जनकुक से कहा, जाओ जाकर रूम में रेस्ट कर लो। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग ने जनकुक को उसका बेडरूम दिखा दिया। जनकुक जब अपने बेडरूम में गए, उसको बेड बहुत ही पसंद आया और रूम बहुत ही बढ़िया था। जनकुक को बेड पर सोने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। जनकुक बेड पर लेटकर ही बाहर की वेदर को देख सकता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये रूम। जनकुक तियांग से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये जगह बहुत पसंद आया, किसी राजमहल से कम नहीं है। तुमने मुझे इतना अच्छी जगह पर लेकर आए हो, आखिर तुम बहुत ही अच्छी इंसान होंगे और तुम मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हो, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तियांग कहता है, ज़रूर। उसके बाद तियांग कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, अगर तुम्हें बुक्स पढ़ना है तो वहाँ पर रखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग रूम से बाहर निकल जाते हैं। जनकुक कहता है, मुझे उसको देखना है, मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ, उसकी आंखें मुझे बहुत ही ज़्यादा अपना सा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में डूब जाने का मन करता है। ऐसा लगता है कि मैं उसकी आंखों में देखने के बाद किसी और तरफ देख ही नहीं पाऊँगा और उसकी आंखों में ही खो जाऊँगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी बातों पर भरोसा करूँ और उसके अलावा किसी और पर कभी भरोसा ही ना करूँ। वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट और ख़ास क्यों लग रहा है? आखिर वो मेरा कोई अपना है क्या? लेकिन कौन हो सकता है? उसके बाद जनकुक ने अपनी फियोंसे के बारे में सोचा, आखिर मैं तो उसके बारे में भूल ही गया, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? 2 दिनों से मुझे उसके साथ बात नहीं हुआ, शायद उसको बहुत ही टेंशन हो रहा होगा। मुझे उससे फ़ोन पर बातें कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं किया, सिर्फ मैसेज पर ही बातें किए जा रहा था। पता नहीं वो अब कैसे होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा कि मैं घर छोड़कर भाग गया, ऐसा ही सोच रहा होगा। हम दोनों की शादी भी होने वाले थे, 1 साल बाद जब वो वापस आ जाएगा तब मैं क्या करूँगा, उसे क्या बताऊँगा? उसके बाद जनकुक सोचता है, इन 1 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो अपने फियांसे से मिल पाएगा। आखिर उसके मॉम डैड ने उसके फियांसे के साथ उसकी शादी पहले ही तय कर दिया है। जनकुक अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फियांसे से ही शादी करना है, क्योंकि उसके साथ मेरे मॉम डैड ने शादी तय किया था, मुझे उसके साथ कैसे भी करके अपनी इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, ये मेरे मॉम डैड की आखिरी ख्वाहिश थे। यहाँ पर तियांग जनकुक को देखने के लिए आ गया था, उसने देखा जनकुक बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। नेक्स्ट डे पर तियांग ने जब जनकुक को ढूंढने के लिए आया तो उसने देखा वो बेडरूम में नहीं है, तो तियांग जनकुक को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गए। उसके बाद तियांग ने देखा कि जनकुक अपने बुक्स को रीड कर रहा है, वो मौसम देख रहे थे और पढ़ रहे थे। जनकुक पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था, तियांग जनकुक को सिर्फ देखे जा रहा था। जनकुक की नज़र जैसे ही तियांग पर पड़े, उसने तियांग को कहा, भी तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो?
देखो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पर कितने दिन तक यहाँ पर ऐसे ही रखने वाले हो? तो तियांग कहता है, क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी लाइफ के लिए यहाँ से कहीं मत जाने दूँ तो? तो तियांग की बात सुनकर जनकुक बहुत ही ज़्यादा डरते हुए कहता है, क्या क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे? लेकिन क्यों, मुझे जाना होगा, 1 साल पूरा होने से पहले जाना होगा। तियांग कहता है, 1 साल वो बहुत ही लंबे समय है, लेकिन तुम अभी क्यों सोच रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम छोड़कर आए हो, जो उसके पास तुम जाना चाहते हो, तुम्हें वापस जाना है? तो जनकुक कहता, हाँ वो मेरी शादी तय हो चुकी है और 1 साल बाद वो वापस आने वाला है, उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएंगे। मैंने कभी उसके साथ फ़ोन पर बातें नहीं किया है, हमेशा मैसेज पर बातें हुआ करते थे, लेकिन मुझे 2 दिन पहले उसको कॉल करना था, नहीं कर पाया। तियांग कहता है, क्यों नहीं कर पाया? तुम्हें पता है ना कि अगर किसी को कॉल करना है तो कर लेना चाहिए था, वो टेंशन कर रहा होगा ना। जनकुक कहता है, तुम्हें कैसे पता? तियांग कहता है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। क्यों, वो टेंशन नहीं कर रहा होगा क्या? तो जनकुक कहता है, कर रहा तो है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ काम में फंस गया था तो मैं कॉल नहीं कर पाया। तियांग जनकुक से कहता है, अब वो कौन से काम है? जनकुक कहता है, क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो? तियांग कहता है, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो ठीक है। जनकुक कहता है, वो मॉम को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था, तियांग ने कहा, उसके बाद तुमने क्या किया? जनकुक कहता है, मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दवाई लेकर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तियांग कहता है, ऐसा है क्या? जनकुक कहता है, हाँ ऐसा ही है। तो तियांग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा कुछ नाटक नहीं लगता है? जनकुक कहता है, ऐसा क्यों करेगा वो लोग? उन लोगों ने मुझे बचपन से बहुत ही बढ़िया तरीके से बड़ा किया है, तो वो लोग मेरे साथ नाटक क्यों करेंगे? जनकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। चलो कोई बात नहीं, मैं ब्रेकफास्ट बना दिया है, चलो खा लो। जनकुक कहता है, क्या तुम नहीं खाने वाले हो? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? तियांग कहता है, किसने कहा मैं खाना नहीं खाता हूँ? जनकुक कहता है, तो मेरे सामने क्यों नहीं खाते हो? तियांग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मेरा शक्ल नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए, क्योंकि कुछ चीज़ अगर अनदेखा रह जाए तो अच्छा है। जनकुक कहता है, लेकिन क्यों ऐसा? आखिर तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ। जब समय हो जाएगा मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। जनकुक कहता है, मुझे उस समय का इंतज़ार होगा। तियांग कहता है, चलो एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। उसके बाद तियांग चले जाते हैं। जनकुक तियांग को देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। उसकी फेस तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। तियांग को देखकर जनकुक मन में कहता है, आखिर मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मुझे इस तरीके की सोच नहीं रखना चाहिए। मैं पहले से एंगेज्ड हूँ। हाँ मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी है वो मेरा हस्बैंड होने वाला है, और मुझे किसी और को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। अब वो अपनी बुक्स को लेकर पढ़ना शुरू करता है। अब जनकुक बहुत ही मन लगा कर पढ़ना शुरू करता है, और इसी के साथ साथ वो उस पल का भी इंतज़ार कर रहा था जब तियांग उसके सामने आने वाला है। तियांग को वो अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता है, वो कैसा दिखता है। जनकुक को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था, लेकिन जनकुक को इंतज़ार करने में बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था। जनकुक से और भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, उसने ठान लिया था कैसे भी करके उसको भी को देखना है, वो उसकी शक्ल देखना चाहता है। जनकुक की सब्र की बांध टूट रहा था, इसलिए वो स्लो पैरों में तियांग के रूम में एंटर करता है। उसके बाद वो चुप कर तियांग को देखने की कोशिश करता है। जनकुक मन में कह रहा था, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही तो नहीं है, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे उसको देखना है कैसे भी करके, तो मुझे एक करना ही होगा। लेकिन तियांग वॉशरूम में नहा रहे थे। जनकुक तियांग को चुप कर देखे जा रहा था। तियांग के वॉशरूम थोड़ा सा खुले हुए थे, और उसी में से जनकुक तियांग को देखे जा रहे थे। तियांग के पीछे की साइड वो पूरी तरह से देख तो पा रहे थे, लेकिन उसकी फेस नहीं देख पा रहे थे। जनकुक देखता है कि तियांग वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला है। तियांग ने सिर्फ शॉर्ट पैंट पहना हुआ था और पूरी बॉडी निकेट थे। जनकुक तियांग को देखकर मन में बहुत कुछ सोच रहे थे। उसकी इवेल थॉट बाहर आ रहा था, तियांग को लेकर उसके बहुत ही ख्याल आ रहे थे, लेकिन जनकुक ने अपने आप को कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो पहले से एंगेज हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए और नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जनकुक अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और तियांग वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वो जनकुक को देखकर तुरंत अपनी फेस को कवर कर लेता है और बाथरूम पहन लेता है।
उसके बाद जनको के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जनको अभी तक अपनी आंखें बंद करके रखा था और उसने मन में यही सोच रहा था कि मैं कैसे भी करके अब रूम से बाहर निकल चले जाऊँ, क्योंकि त्याग ने अगर मुझे देख लिया तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। उसको मुझे फेस नहीं दिखाना है, लेकिन मैं उसको फेस देखना चाह रहा था, लेकिन मैंने कुछ और ही तरीके से उसको देख लिया है जिस तरह से मुझे नहीं देखना चाहिए था। जनको मन में बुदबुदा रहे थे। त्याग ने जनको से कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको बहुत ही डर गए और डर के मारे त्यांग को हक कर लिया। उसको पता नहीं क्या हो गया। टाइटली हक करने के बाद त्यांग से कहा, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, वो मैं जानबूझकर नहीं देख रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तो देखने के लिए चला आया। मैं तुम्हारी फेस देखना चाह रहा था, लेकिन भी मुझे तुम्हारी पीछे की साइड देखकर पता नहीं क्या ख्याल आ रहा है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो त्यांग ने जनको की फोरहेड पे किस खाते हुए कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, चलो शांत हो जाओ। जनको त्यांग को कहता है, थैंक यू सो मच एंड सॉरी, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। त्यांग कहता है, तो तुम जा रहे हो इस रूम से? जनको कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ देर और रहा तो। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, जाओ तुम, मैं बाद में आ जाऊँगा। जनको के जाने के बाद त्यांग ने मन में कहा, ओ शिट, ए मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने अभी उसको किस किया है? और यहाँ पर जनकुक भी अपने रूम में आने के बाद जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचने लग गए। उसको याद आया कि त्यांग ने उसकी फोरहेड पे किस किया है। तो जनकुक कहता है, क्या त्यांग ने सच में मुझे किस किया है, या फिर मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, पता नहीं, या फिर मैं जो सोच रहा था अपने दिमाग में त्यांग को लेकर, शायद मेरी ये सब कुछ इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। यहाँ पर त्यांग कहता है, अगर उसने मुझसे पूछा कि मैं उसको किस क्यों किया तो मैं क्या बताऊँगा? लेकिन जनकुक को तो ये सब कुछ इमेजिनेशन लग रहा था, इसलिए वो त्यांग को कुछ भी नहीं पूछता है। त्यांग जब जनकुक के सामने आते हैं बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन जनकुक ने त्यांग से कुछ भी नहीं कहा। त्यांग कहता है, चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं। उसके बाद ऐसे दिन बीते चले गए और जनकुक अपने पढ़ाई को मुकम्मल कर लेता है। वो ग्रेजुएट बन जाता है और कलेक्टर होने के लिए उसको सिर्फ कुछ ही देरी है। फिर त्यांग ने सोच लिया कि आज शाम को वो जनकुक के सामने आ जाएगा, लेकिन जनकुक ने भी ये सोच लिया कि त्यांग से कहेगा, वो यहाँ से जाना चाहता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बहुत ही समझदार हो गया है। वो अभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करने वाला है। त्यांग ने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ सिखा दिया है, कैसे लोगों से बचना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को बहुत ही हिम्मत के साथ जीना चाहिए। अब कोई भी जनकुक को धोखा नहीं दे पाएगा। तो जनकुक यही बात बोलने के लिए त्यांग के पास आ रहा था और त्यांग भी जनकुक के पास आ जाते और कहते हैं, जनकुक, मैंने तुम्हें इतने दिनों से जो मार्शल आर्ट और सब कुछ सिखाया है, मैं जानता हूँ तुम उस चीज़ को अपने काम पर लगाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। जनकुक कहता है, लेकिन मैं तुमसे ये बोलने के लिए आया था कि मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मेरी फ्यून से मुझसे मिलना चाहता होगा, वो आने वाला है, मुझे उसी से ही शादी करना है, और देखो तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर नहीं रख सकते हो। त्यांग जनकुक से कहता है, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो? जनकुक कहता है, लगता है तुम्हें ना देखना ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ा देगा। त्यांग कहता है, क्या तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने क्यों दूंगा? क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए लेकर आया हूँ? जनकुक त्यांग से कहता है, तुमने कहा ना, अब मेरी लाइफ की कोई रिस्क नहीं है, अब मैं आसान तरीके से जी सकता हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दोगे? मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, प्लीज़ भी मुझे मत रोको। तो त्यांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो चले जाओ, लेकिन क्यों जाना चाहते हो? तो जनकुक ने कहा, मुझे शादी करना है और अपनी फियोंसे के साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना है, मैंने प्रॉमिस किया था मैं उसी से ही शादी करूँगा, और तुम्हें देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगता है। तुम्हारी पूरी फेस को मैंने नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी इन आँखों को मैंने अपने मन में बसा लिया है। लगता है तुम्हारी फेस को देखने के बाद मैं पागल हो जाऊँगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो फिर त्यांग ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। जनकुक, अब वो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे घर पर नहीं रहता है, उन लोगों को मैंने वहाँ से बहुत दूर भेज दिया, और वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जनकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो जाना चाहता हूँ। त्यांग कहता है, ठीक है, कार पर आकर बैठ जाओ। जनकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद त्यांग ने उसको घर छोड़ दिया। जनकुक यहाँ से जाने के बाद ही अपने फियोंसे के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया। उसकी फियोंसे ने उसकी मैसेज की रिप्लाई किया,
उसके बाद जनकुक को कॉल किया। जनकुक ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन जैसे ही जनकुक ने उसकी वॉइस सुना ना, उसको बहुत ही ज़्यादा पहचाना सा वॉइस लग रहा था। तो जनकुक ने अपने फियोंसे से कहा, तुम कौन हो आखिर? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आने वाले हो? तो उसकी फियोंसे ने कहा, हम दोनों कल मिलने वाले हैं, ठीक है, तुम तैयार रहना, और मैं आने के बाद ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जनकुक ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो। उसके बाद उसकी फियोंसे आ जाते हैं नेक्स्ट डे। जनकुक जैसे अपनी फियोंसे को देखते हैं, उसको देखते ही रह जाते हैं। उसके फियोंसे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गॉर्जियस है। जनकुक उसकी फियोंसे को देखते हुए कहा, कहीं मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है क्या? तो उसकी फियोंसे ने कहा, तुमने मुझे कहीं पर देखा है क्या? तुम याद करने की कोशिश करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? जनकुक, आखिर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, तो तुमने मुझे कहाँ देखा होगा, ज़रा याद कर सकते हो क्या? जनकुक ने कहा, भी? तो तियांग कहता है, तुमने सही पहचाना, तुमने मेरी आंखों को देखकर ही पहचान लिया क्या? जनकुक कहता है, तो तुम ही तियांग हो और तुम ही भी हो, इसका मतलब तुम मुझे बचाने के लिए, जब मैंने तुम्हें 2 दिन पहले कॉल नहीं किया तो तुम परेशान होकर यहाँ पर आ गए थे, और तुमने मुझे किडनैप करके उस घर में लेकर रखा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तियांग कहता है, इतने महीनों तक तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे सामने अनजान बनकर रहा, मुझे कितना तकलीफ हो रहा था मैं खुद ही जानता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ जनकुक, तुम नहीं जानते हो, तुमसे शादी करने का ख्वाब मैंने कितने पहले से देख कर रखा है। जब तुम मुझे कॉल करने वाले थे लेकिन नहीं किया, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था। जैसे मैं कोरिया आ गया तो मैंने देखा कि तुम्हारे स्टेप फादर और तुम्हारे स्टेप मदर, यानी जो लोग तुम्हारे मॉमलेट बनकर इतने सालों से तुम्हें बड़ा कर रहा था, वो लोग तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि तुम अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सबके सामने लेकर आ सको और कोई तुम्हारा बाल भी वाका ना कर सके, तो मुझे तुम्हें किडनैप करना पड़ा, सॉरी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है तुम्हारे साथ। तो जनकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम उस दिन मेरी फोरहेड पे किस किया था? तियांग कहता है, क्या करता, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इससे पहले कि तुम उस रूम से नहीं निकलते ना, तो मैं शायद उस दिन कुछ और भी कर लेता। जनकुक कहता है, मुझे लगा कि मैं सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा था, क्योंकि मैं इससे भी बहुत ही आगे बढ़ गया था अपने ख्यालों में। तियांग कहता है, क्या सच में? जनकुक कहता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें देखकर ही मुझे तुम्हारी आंखों में डूब जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं अपनी फियोंसे को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तियांग कहता है, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम अपनी बातों पर पूरी तरह से अटल रहते हो, कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, आखिर तुम्हारे जैसे इंसान कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ने वाला है। मुझे पता है तुम मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट हो। डू यू मैरी मी? जनकुक कहता है, यस, मैंने इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया है, तो अब मैं तुमसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उसके बाद जनकुक का तियांग शादी कर लेता है, और जनकुक तियांग से कहता है, इतने हैंडसम फेस को तुमने मुझसे छुपा कर रखा था, तुम बहुत ही ख़राब हो। तियांग कहता है, और तुमसे चुपका रहने में मुझे इतना तकलीफ हो रहा था, क्या तुम जानते हो? जनकुक कहता है, क्या तुम अब ऐसे मुझे घूरते रहोगी क्या? तियांग कहता है, तुम्हें जितना भी देखूँ ना, फिर भी तुम्हें देखने का मन नहीं भरता है। उसके बाद जनकुक तियांग से कहता है, क्या तुम उसे बहुत प्यार करते हो? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। जनकुक तियांग से कहता है, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तियांग कहता है, क्या? तो जनकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम और मैं उस घर पर जाकर रह सकते हैं क्या, जिस घर में तुमने मुझे किडनैप करने के बाद लेकर गए थे? मुझे वो घर बहुत पसंद है। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें वो इतना अच्छा लगा, क्या तुम वहाँ पर रह लोगे? जनकुक कहता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है और मुझे वो जगह बहुत पसंद है। उसके बाद जनकुक और तियांग उस घर में वापस आ गए जहाँ पर तियांग जनकुक को किडनैप करने के बाद लेकर आए थे, और जनकुक का तियांग बेडरूम में था। जनकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ? तो जनकुक को तियांग कहता है, कुछ नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। और जनकुक को अपने करीब खींच कर लेकर आते हैं और उसकी होठों पर अपने होठों को रख देते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे, और इविल थॉट जो जनकुक अपने ख्यालों में सोच रहे थे, अब तियांग उसी के साथ वो सब कुछ करने वाला है। तो यहीं पर ही दियन करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया है।
तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।